हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए और गंगा यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। माघ अमावस्या व्रत और धार्मिक कर्म। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। माघ अमावस्या के दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म, व्रत और नियम हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान नदी सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। इस दिन व्रत रखकर जहां तक संभव हो मौन रहना चाहिए। गरीब व भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान जरूर करें। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हो तो गौदान, स्वर्णदान, भूमिदान, अन्यथा कोई भी दान अवश्य करें। हर अमावस्या की भांति माघ अमावस्या पर भी पितरों को याद करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण, नारायणी बलि, त्रिपिंडी इत्यादि कर्म करवा करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उनको हम ऐसे में प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ फल, फूल, दीप, धूप, अगरबत्ती के साथ और अपने पितरों को प्रसन्न करने के साथ इस दिन सत्यनारायण व्रत का कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। अंत में प्रसाद वितरण करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा जरूर दें। तो मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह पीड़ा तो नहीं, तो आपके सामने 3 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप घर बैठे ही अपनी कुंडली दिखवाएं, जिसमें आप जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि के माध्यम से कुंडली दिखवा करके हमसे अपनी समस्याओं के समाधान का उपाय हमसे पा सकते हैं। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही सनातन धर्म ज्योतिष संबंधी जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।